उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जुआरियों को स्वाट प्रभारी प्रदीप सिंह, एसओजी प्रभारी अमित त्रिपाठी ने स्कॉर्पियो बोलेरो के साथ गिरफ्तार कर उनके पास से 8,25,000 बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में स्वाट टीम एसओजी टीम को जिगना रॉबर्ट्सगंज में राम सिंह पुत्र धनेश सिंह के मुर्गी फार्म हाउस के हाथों में ताश के 52 पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ होने की सूचना पर दबिश देकर मौके से राम सिंह आदि 22 नफर को मय माल फन 7,89,200 व जामा तलाशी 34,800 के साथ 22 अद्द मोबाइल स्कॉर्पियो बोलेरो 4 बाइक बरामद हुई, जिसके संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज में आईपीसी की धारा 3/4 जुआ अधिनियम बनाम राम सिंह आदि 22 नफर पंजीकृत कर सभी 6 वाहनों को सीज कर दिया गया। रामदेव पकड़े गए आरोपी मिर्जापुर दुद्धी म्योरपुर बभनी कर्मा ओबरा शक्तिनगर के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों का चालान कर दिया गया है। एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि थाना क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज के अंतर्गत कहीं पर एक जुआ चल रहा है, तो उनके द्वारा सर्वेलांस और एसओजी और स्वाट की टीम को साथ में लेकर के मौके पर जाकर के दबिश दी गई। तो वहां पर करीब 8.25 लाख रुपए पड़से और 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास 2 फोर व्हीलर और 4 टू व्हीलर भी बरामद की गई। सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इतना सराहनीय कार्य करने वाली सीओ साहब की टीम को नगद पुरस्कार दिया जा रहा है और ये जो जुआ जिस क्षेत्र में चल रहा था उस क्षेत्र के बीच कांस्टेबल को हल्का प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है और इस संबंध में गोपनीय जांच बैठाई गई। अभी तक इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में जानकारी नहीं हो पाई। अधिकतर लोग जनपद सोनभद्र के रहने वाले हैं, इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में भी और जानकारी की जा रही है। जिले के बाहर से भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं? हाँ, कुछ लोग इसमें जिले के बाहर के हैं, उनके बारे में जानकारी की जा रही है। इस बारे में जानकारी की जा रही है, जांच इसी संबंध में बैठाई गई। सोनभद्र से शक्तिपाल की एक रिपोर्ट।